हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है, भूपिंदर सिंह हुड्डा वर्सेस जो त्रिमूर्ति है, कुमारी शैलजा हुई, रणदीप सुरजेवाला हुआ, किरण चौधरी हुए, कांग्रेस के घटनाक्रम को हरियाणा में कैसे देखेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक छतर नेता भूपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी कौम जाट कौम है और जाट कौम ने राज भोग लिया, बड़ी इंटेलिजेंट कौम है। उसमें आज सर्वमान्य नेता इस वक्त जाटों का है भूपेंद्र हुड्डा। नंबर दो कम्युनिटी जो जनगणना के हिसाब से नंबर टू है वो हमारे चमार भाई हैं, उनकी सबसे बड़ी नेता आज भी कुमारी शैलजा है। देश में तो मायावती है, लेकिन मायावती को राम जाने किस तरह से उलझ गई, वो किस तरीके से डरा रखा है या भगवान जाने, वो तो उसकी मजबूरी उसको खुद ही पता होगा। मायावती आज भी देश की एक नंबर, विशेष तौर से नॉर्दर्न इंडिया की एक नंबर नेता है इस बरादरी की, और हरियाणा की एक नंबर नेता कुमारी शैलजा ही है, तो दो नंबर की है वो। बाकी तो इनके पास किसी पे वोट तो है ही नहीं। अब ये बेचारी किरण है, ये आपका ये रणदीप सुरजेवाला खुद हार गया, अब ये किरण चौधरी जो जीती उसकी माँ को नई MLA बनती वहाँ से दुष्यंत की, उसको MLA बना के खुद MLA बनी है, वोट ट्रांसफ़र करा दिया। कमज़ोर पड़गी ना, वरना चोई बंसीलाल की वो कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वहाँ से राज किया है बंसीलाल ने, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, पानी चोई बंसीलाल ले आए, बड़ी तरक्की की बहुत ज़्यादा, उसको भी आज ज़रूरत पड़गी MLA बनने के लिए, समझौता करने की। धन्यवाद। तो ये है दादा राम कुमार गौतम, राजनीति के सभी ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, बेबाकी से की और बिना किसी तथ्य को छुपाए की। दादा राम कुमार गौतम की यही खूबसूरती है कि वो जो दिल में होता है इनकी दिल से जुबान तक पहुंचता है और जुबान से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने समय दिया, पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।